Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Mohr English School. So today I'm going to teach you history chapter number 10, Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkin. Okay. Shivaji conquer Panhala, Adil Shah gets angry. Yes. So देखो यहाँ पे हम लोग क्या study करेंगे. Means when Shivaji Maharaj had conquered Panhala. Panhala is the name of a particular place. Okay. Panhala place का name है. तो जब शिवाजी महाराज ने पन्हाला को कॉन्कर्ट किया, अपने अंडर में लिया, तो एट दैट टाइम आदिल शाह गेट एंग्री. आदिल शाह क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे. सो लेट्स सी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस. ओके, व्हाइल बीजापुर वाज स्टिल मॉर्निंग द डेड ऑफ अफजल खान एंड द कंप्लीट रूट ऑफ हिज आर्मी, शिवाजी कैप्चर द पन्हाला फोर्ट फ्रॉम बीजापुर गैरिसन. यस. सो अभी जो बीजापुर था वो अभी तक किस मतलब कौन सी तकलीफ में था? अफजल खान की डेड के इसमें था, है ना. और वही टाइम पे क्या हुआ था, जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने पन्हाला फोर्ट को बीजापुर की साइड से कैप्चर कर लिया था. दिस थ्रू आदिल शाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेंज. अब इससे क्या पता चल रहा है, मतलब ये वजह से जो आदिल शाह है ना, तो वो क्या चाहते थे, मतलब एकदम वाइल्ड, मतलब पता नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे. बहुत उनके पर उनको बहुत बुरा लग रहा था ये सारी चीज़ों का. ही कुड नेदर ईट नॉट स्लीप. अब इतना ज़्यादा उनका हर्ट हुआ था कि वो ना ही खा पा रहे थे और ना ही सो पा रहे थे. ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी. उन्होंने क्या किया, एक सरदार को कहा भेजा, जौहर भेजा, सॉरी सिद्दी जौहर को इन्होंने हायर किया और उनको कहा, मतलब शिवाजी के अगेंस्ट में भेजा. सिद्दी जौहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम. अब जब सिद्दी जौहर गए उनके साथ, उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी रखी. फजल खान हु वांटेड टू अवेंज हिज फादर्स डेड आल्सो अकंपनी हिम. यस. अब जो फजल खान थे वो भी एक क्या थे, एम्परर थे, है ना, रूलर थे. तो वो भी क्या चाहते थे, उनके फादर के डेड का अवेंज लेना चाहते थे. ओके. तो वो भी सिद्दी जौहर के साथ, मतलब सिद्दी जौहर को उन्होंने भी अपनी कंपनी दे दी, वो भी उनके साथ ज्वाइंट हो गए. ओके. नाउ द सीज ऑफ पन्हालगढ़. सिद्दी जौहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस. ये देखो सिद्दी जौहर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ब्रेव थे, लेकिन वो कैसे थे, रूथलेस थे. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. ही लेड सीज टू पन्हालगढ़ एंड कन्फाइंड. यस. उन्होंने मतलब ऑब्वियसली ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. और उन्होंने कहाँ पे सीज किया था, पन्हालगढ़ में सीज किया था. सीज करना मतलब उसको अपने जैसे घेर लेना, कैप्चर करने के लिए कैप्चर करते तो उसके पहले घेर लेते ना सब पूरे एरिया को जिसके ऊपर अटैक करने वाले रहते, तो वैसा किया उन्होंने. शिवाजी विद इन द फोर्ट. और जब उन्होंने सीज किया वो कैप्चर वो पन्हालगढ़ को, तो वो टाइम पे शिवाजी महाराज उसके अंदर ही थे, मतलब वो फोर्ट के अंदर ही थे. The rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rain came, Sidi Johar would left the seas. Yes, so Shivaji Maharaj, मतलब वो जो time चल रहा था, मतलब जैसे रेनी सीजन आने वाली थी, तो शिवाजी महाराज को लग रहा था कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होंगी तो Sidi Johar है वो क्या करेंगे, मतलब ये जो सीज उन्होंने डाले हैं ना, तो उसे मतलब वो उसको छोड़कर चले जाएंगे. बट Sidi Johar did nothing of the kind. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. On the contrary, with the arrival of the monsoon, he further tightened the seas. लेकिन उन्होंने क्या किया, देखो शिवाजी महाराज को लग रहा था कि जब बारिश आएंगी, रेनफॉल स्टार्ट होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब वो सीज को छोड़कर चले जाएंगे. लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया. उन्होंने उनकी जो मतलब उनकी जो आर्मी थी उसको और ज़्यादा मतलब टाइट कर दिया था, मतलब वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब सारी चीज़ें वो देख रहे थे. सप्लाईज इन द फोर्ट वे रनिंग आउट. शिवाजी वॉज इन फिक्स. ये सब जो सप्लाई मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो बाहर से जाती थी अंदर. और शिवाजी महाराज क्या हो गए थे, मतलब एक टैकल में फंस गए थे, एक प्रॉब्लम में फंस गए थे. सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जौहर टू लिफ्ट द सीज बाय ओपन बैटल. यस. लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला सिद्दी जौहर को क्या तुम ये सीज छोड़ के चले जाओ, मतलब और क्या करेंगे बाय ओपन बैटल. He decided to deceive Sidi Johar by clever ruse. उन्होंने क्या डिसाइड किया शिवाजी महाराज ने, कि वो सिद्दी जौहर को मतलब एक अलग तरीके से मतलब फेस करेंगे. He sent a message to Sidi Johar to the effect that he would shortly surrender the fort.
सीधी वॉज हैप्पी यस। सो उन्होंने देखा उनका जो ट्रिक था वो लगाया, यूज किया, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने मैसेज भेजाया सीधी जौहर के पास, क्या ये जो फोर्ट है तो उसे वो बहुत जल्दी ही सरेंडर कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। ओके ऑब्वियस ये सुनने के बाद जो सीधी जौहर था वो बहुत हैप्पी हो गए थे। ओके सिद्धि ट्रूप वी आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ लॉन्ग सीज। ऑब्वियसली अब मतलब अब उन लोगों को पता चल गया था ना कि अब हम लोग को ये मिल रहा है ना, पनहालगढ़ जो है वो हम लोग को मिल रहा है। सो वो अब थोड़े रिलैक्स हो गए थे क्योंकि वो ऑलरेडी कितने टाइम से वहाँ पे मतलब ट्रूप्स में थे ना, सीज करके रखे हुए थे वो एरिया को, वो फोर्ट को, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। दे वी आर वेरी प्लीज टू हियर द शिवाजी एग्री टू सरेंडर। फिर जब उनको पता चला कि शिवाजी महाराज एग्री हो गए सरेंडर करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ओके कौन खुश हो गए थे, जो सिद्धिस ट्रूप से। ओके दे रिलैक्स द वॉच एंड इंडोल्ज इन फूड ड्रिंक एंड म्यूजिक। फिर ऑब्वियसली ये हम लोग का मालूम पड़ गया था ना कि हम लोग को क्या मिल गया है, सक्सेस मिल गया, हम लोग ने डिफीट कर दिया शिवाजी महाराज को, हरा दिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग टोटली रिलैक्स हो गए थे और उन लोग क्या कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। ओके नाउ शिवाजी एस्केप फ्रॉम सीज। अब देखो शिवाजी महाराज यहाँ से कैसे एस्केप हुए, एस्केप एस्केप मीन्स भागना। ओके अ प्लान वॉज हिट अपॉन टू एस्केप फ्रॉम द सीज टू पालुंकीज वे आर केप्ट रेडी। यस अब देखो जो प्लान बना था शिवाजी महाराज को वहाँ से भगाने का, निकालने का, एस्केप करने का, तो वो कैसा था, टू पालंकीज। देखो पहले के जो पीपल्स होते थे वो अभी भी जैसे हम लोग देखेंगे ओल्ड मूवीज तो उसमें पालकी होती है, उसमें ब्राइड्स बैठी भी रहती है, दुल्हन बैठती है ना, तो वैसे टू पालकी को रखा गया था। ओके वन वॉज मेन फॉर शिवाजी इन विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग अ डिफिकल्ट रूट। अब एक में क्या था, एक में शिवाजी महाराज को रखने वाले थे वो जो कि डिफिकल्ट मतलब यस। सो टू पालकी थी प्लस देखो वन वॉज मेन फॉर शिवाजी महाराज, एक जो थी वो शिवाजी महाराज के लिए थी जो कि उस रास्ते से जाने वाली थी जो कि बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। ओके द अदर वुड बी अकम्पनाइड बाय अनदर पर्सन डिस्गर्ज्ड एज शिवाजी। यस अब दूसरी जो पालकी थी उसमें क्या थे, कोई मतलब दूसरे पर्सन को रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि उन लोग क्या चाहते थे कि ये जो सिद्धि है तो उसका माइंड डाइवर्ट कर सके। ओके इसके लिए उन्होंने एक में क्या किया, मतलब जो शिवाजी रियल शिवाजी महाराज है उनको बिठाना बिठाए थे और जो सेकंड वाली पालकी थी उसमें कोई और पर्सन को बिठाए थे उनके रिप्लेसमेंट पे। ओके दिस पालकी वॉज टू लीव बाय द राज दिंदी। अब ये जो पालकी है वो कहाँ से निकली थी, राज दिंदी से निकली थी। दिस अदर पालकी वुड बी इजिली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस एंड इट वुड बी कैप्चर बाय देम। यस अब देखो एक जो थी वो डिफिकल्ट रास्ते से गुजर रही थी है ना, और एक जो थी वो इजी रास्ते से निकली थी। अब जो इजी रास्ते से निकली थी उसमें कौन था, उसमें शिवाजी महाराज नहीं थे, कोई और पर्सन बैठा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो पालकी को बहुत जल्दी ही स्पॉट कर लिए थे किन्होंने, जो सिद्धि जौहर की जो आर्मी थी उन्होंने। एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम। ऑब्वियसली फिर वो उसे क्या कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिए। वाइल द एनिमी सेलिब्रेटेड द कैप्चर ऑफ शिवाजी द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफिकल्ट रूट। यस अब उन लोग किस चीज़ के सेलिब्रेशन में लग गए थे, उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग ने शिवाजी महाराज को अब कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, ये शिवाजी महाराज थे ही नहीं ना, जो रियल शिवाजी महाराज थे वो डिफिकल्ट रूट से क्या हो गए थे, स्केप हो गए थे, भाग गए थे। दिस वॉज द प्लान फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटुक दिस टास्क। यस अब ये सब क्या था, प्लान था उन लोगों का, क्या प्लान था, क्या दो पालकी निकालेंगे, एक में शिवाजी महाराज को रखेंगे और एक में शिवाजी महाराज की जैसे ड्रेसिंग व्रेसिंग कर कर एक दूसरे पर्सन को रखेंगे। अब एक जो पालकी रहेंगी मतलब जो शिवाजी महाराज की पालकी रहेंगी वो डिफिकल्ट रास्ते से जाएंगी, और जो शिवाजी महाराज के प्लेस पे जो दूसरा पर्सन है उसकी जो पालकी रहेंगी वो नॉर्मल जो रास्ते है वहाँ से जाएंगी। तो ऑब्वियसली ये जब नॉर्मल रास्ते से जा रही तो लोगों को पता चल गया कि ये शिवाजी महाराज ही होंगे, तो लोगों ने वो पालकी को कैप्चर कर लिया और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन सेलिब्रेट करने के टाइम पर उनको ये नहीं पता था कि वो शिवाजी महाराज है या नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज तो ऑलरेडी वहाँ से निकल गए थे इसके फ्रॉम डिफिकल्ट रूट। ही रिसेम्बल शिवाजी इन लुक्स, ही रिसेम्बल
शिवाजी इन लुक्स, हिज नेम वॉज शिवा राजे। अब देखो जो शिवाजी महाराज के गेटअप में बैठा हुआ था पालकी में, तो वो कौन था? शिवा काशित था। ही वॉज अ हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस। अब देखो शिवाजी महाराज के सर्विस में वो कौन था? हेयर ड्रेसर मीन बार्बर था। ही वॉज कोरोजियस एंड स्ट्रीम, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्योरेजियस थे और बहुत ही ज़्यादा क्या थे वो, स्ट्रीम थे, मतलब बहुत अच्छे पर्सन थे, स्ट्रांग थे। इसी की वजह से तो उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब सर्वाइव, मतलब अपनी लाइफ को क्या किया, शिवाजी महाराज के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। एज प्लान द प्लान पालकी कैरिंग शिवा काशित केम आउट ऑफ राजदिंदी। यस, अब ये देखो प्लान के हिसाब से ये जो पालकी थी शिवा काशित की, वो कहाँ से निकली थी? राजदिंदी से निकली थी। इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हैविली, मतलब वो बहुत डार्क राइट थी, मतलब वो देखते बोलते ना ब्लैक ब्लैक लगे क्लाउड से भरी हुई रात थी और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर वी आर कीपिंग वॉच, फिर भी कुछ जो सोल्जर्स थे, एनिमी सोल्जर्स मतलब किसके सोल्जर्स थे, सिद्धि जौहर के, वो ये देख रहे थे। दे कैप्चर पालकी, उन्होंने क्या किया जब उनको पालकी जाते दिखी वो रास्ते से, तो उन्होंने पालकी को कैप्चर कर लिया। दे थॉट दैट दे हैड कैच शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पालकी टू सिद्धिज कैम्प। अब उन लोग एकदम खुश हो गए, तो उन लोग को लगा कि अब हम लोग ने शिवाजी महाराज को कैप्चर कर लिया, कैच कर लिया, और फिर उन्हें लेकर वो कहाँ चले गए? पालकी को लेकर सिंधी, जो यहाँ पे सिंधी की कैंप थी वहाँ पे चले गए। जुबिलेशन बिगेन इन द कैंप, अब ऑब्वियसली वहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था कैंप में। इन द मील वाइल शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफिकल्ट रूट, और वही टाइम पे जब ये सब लोग बिजी थे, तो वो टाइम पे जो रियल शिवाजी महाराज थे वो क्या हो गए थे? एस्केप हो गए थे, भाग गए थे डिफिकल्ट रूट से। ही वॉज एकम्पनाइड बाय बाजी प्रभु देश पांडे एंड सम सेलेक्ट। अब उनके साथ जब वो वहाँ से निकले, है ना, पन्हालगढ़ से निकले, पन्हालगढ़ के फोर्ट से निकले, तो उनके साथ उनके मतलब उनके साथ और कौन था? बाजी प्रभु देश पांडे थे और उनके कुछ सेलेक्टेड सोल्जर्स थे। ओके, द बंडल देशमुख आर्मी अकम्पनाइड दैम। अब फिर उसके बाद आगे जाके एक और कौन सी कंपनी, सॉरी कौन से लोग ज्वाइंट हुए थे, कौन सी आर्मी ज्वाइंट हुई थी? बंडल देशमुख। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशित वॉज एक्सपोज। यस, फिर कुछ टाइम के बाद जो शिवा काशित का मतलब जो था, मतलब उनका ऑब्वियसली रियल फेस सामने आ गया था, मतलब वो जो सच जो छुपा हुआ था, तो वो क्या हो गया था? एक्सपोज हो गया था। द फ्यूरियस सिद्धि किल हिम देन एंड देयर शिवा काशित सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज। और फिर ऑब्वियसली उसको सिद्धि जौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और गुस्से में आकर उन्होंने क्या किए थे, ये जो बार्बर थे शिवा काशित, उनको मार दिए थे, उन्होंने उनको किल कर दिए थे, और उन्होंने अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दिए थे किसके लिए? शिवाजी के लिए और स्वराज के लिए। ओके, दस ही बिकेम इमॉर्टल। अब ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लाइफ की लाइफ को सेक्रीफाइस दिए, तो वो क्या बन गए थे? एक इमॉर्टल बन गए थे। व्हेन द सिद्धि लर्न दैट शिवाजी हैड गिवन हिम द स्लिप ही वॉज लिव विथ रेज। अब देखो अब सिद्धि लोग को, सिद्धि जौहर को पता चला कि शिवाजी महाराज ने क्या किया उनके साथ, स्लिप किया, मतलब उन लोगों के साथ एक प्लान साजिश ऐसा किया है। सो ही वॉज लिव विथ रेज, फिर उन लोग कहाँ रह रहे, मतलब सिद्धि कहाँ पर रह रहा था? यस, तो सिद्धि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहने लग गया था। ओके, लिव इट मीन बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेसिव। इमिडिएटली ही डिस्पैच हिज सरदार सिद्धि मसूद अकम्पनाइड बाय अ बिग आर्मी इन हॉट परस्वीट ऑफ शिवाजी। जैसा उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी डिस्पैच करना मतलब किसी को एक जेन्युइन रीजन के लिए कहीं पर भेजना, है ना, तो उन्होंने डिस्पैच किया था किसको? सरदार सिद्धि मसूद को, है ना, और उनके साथ उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी जो कहाँ गए थे, मतलब शिवाजी महाराज के पास। ओके ओके, सो उन्होंने किसको भेजा? सिद्धि मसूद को भेजा, उनके साथ बिग आर्मी को भेजा कुछ करने के लिए, किसके अगेंस्ट में? शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में करने। एट डे ब्रेक द परसुइंग हॉर्समैन कैच अप विद शिवाजी एट द पंडरपानी स्ट्रीम। यस, फिर देखो क्या हुआ,
मतलब जैसे डे ब्रेक हुआ तो वही टाइम पे एक एक्टिविटी दिखाई थी, मतलब एक क्या क्या दिखाई दिया, जो हॉर्समैन था उसको पकड़ लिया गया था। किसे, किसने? शिवाजी महाराज ने, कि कहाँ पर? पंडहा पानी में, पंडहर पानी स्ट्रीम में। शिवाजी वॉज नॉट इन रियल ट्रबल, मतलब यहाँ पे शिवाजी महाराज को पकड़ लिया गया था। किसने पकड़ा था? जो हॉर्समैन था एक, है ना, उन लोगों के साथ जो था, उसने पकड़ लिया था शिवाजी महाराज को। अब शिवाजी महाराज जो थे अब एकदम रियल ट्रबल में आ गए थे। विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हिज मैन क्रॉस द गोडकिंड, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टी के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, वो और उनके साथ जो उनके मैन थे, उनके अकम्पनी थे, वो सब ने क्या किया, उन्होंने जो घोड़खिंड थी वो एरिया को क्रॉस कर लिया। ओके, नबाजी प्रभु द ब्रेव, ऑल वी नो बाजी प्रभु जो थे वो पेशवा थे मराठी किंगडम में। ओके, और वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, ब्रेव थे। द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्दी वेयर फास्ट गैलोपिंग टूवर्ड्स द घोड़खिंड पास। यस, अब जो सिद्दी के जो ट्रूप थे, है ना, जो आर्मीज थे, तो वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। ओके, किसकी वजह से, कि मतलब उन लोग कितनी कोशिश के बाद भी शिवाजी महाराज और उनके जो उनके साथ में जो लोग थे वो क्या हो गए थे, चले गए थे वहां से। कहाँ से? घोड़खिंड से। शिवाजी सॉ दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक देम। अब शिवाजी महाराज को ये दिख रहा था कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो विशालगढ़ पहुंच सके उनकी एनिमी के आने तक, मतलब उनकी एनिमी उनके बहुत ही नजदीक थी, वो विशालगढ़ पहुंचते नहीं, उसके पहले ही उनको पकड़ लिया जाता। ओके, सो ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो उन्होंने उनके साथ में जो थे बाजी प्रभु, ना, तो शिवाजी ने बाजी प्रभु को बोला कि ये जो बाजी दिस इज वेरी, मतलब बोला कि बाजी ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, सिचुएशन है। ओके, द रोड अहेड इज स्टिप एंड द एनिमी इज राइट ऑन अवर हील्स। यस, तो जो रोड है ना, तो वो कैसे है, आगे है, अहेड अ स्टिप, लेकिन जो एनिमी है वो कहाँ है, राइट ऑफ अवर हिल्स, मतलब हमारे बहुत नज़दीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच विशालगढ़, सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी। अब क्या बोले शिवाजी महाराज, कि हम, मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम विशालगढ़ पहुँच पाएंगे, हम विशालगढ़ पहुँचेंगे नहीं, उसके पहले ही हमको क्या कर लेंगे इन लोग, मतलब हम लोग को कैप्चर कर लेंगे, हम लोग को अरेस्ट कर लेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, वापस से क्या करें, बैक जाए और उन लोगों के साथ फाइट करें, मतलब वो जो एनिमी है उनको फेस करें। बाजी प्रभु अंडरटुक द ग्रेट एजिटेशन गोइंग ऑन इन शिवाजीज माइंड। अब बाजी प्रभु को समझ में आ गया था कि जो शिवाजी महाराज उनके माइंड में बहुत, मतलब अच्छी चीज़ें चल रही है। ओके, सो द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयर फोर्स स्वराज वॉज इन डेंजर। अब सबको समझ में आ गया था, जो जो लोग थे उन लोगों के साथ, क्या शिवाजी महाराज, मतलब जो एनिमी है वो कैसी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्टली हमारे पास आ रही है, तो शिवाजी महाराज की लाइफ और जो स्वराज है ये दोनों भी क्या है, अब डेंजर में है। ही सेड महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़, टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर विथ यू। तो अभी बाजी प्रभु ने क्या बोला है, मतलब उनको समझ में आ गया था कि ये जो है, मतलब पन्हाड़गढ़ पहुंचना शिवाजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिवाजी महाराज क्या थे, ही वॉज रूलर ऑफ मराठा किंगडम, है ना, तो अगर उनको कुछ हो गया तो मराठा किंगडम भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब अगर शिवाजी महाराज इनके साथ रह रहे, बाजी प्रभु के साथ, तो इससे क्या होगा, शिवाजी महाराज की डेड भी हो सकती है और जो स्वराज है, जो जो किंगडम को उन्होंने बहुत मेहनत के साथ कॉन्कर किया है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसके लिए बाजी प्रभु ने क्या बोला शिवाजी महाराज को, क्या आप क्या करो, आप विशालगढ़ की तरफ जाओ और आपके साथ कुछ सोल्जर्स को रख लो। आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट। और मैं क्या करूँगा, मैं इन लोगों के साथ फाइट करूँगा और पूरी, मतलब ट्राई करूँगा कि ये आप तक नहीं आ पाए। आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ हिज ऑफ दिस पास इफ नीड, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी खुद की लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन इन्हें अपने आपके पास नहीं आने दूंगा। इफ आई डाई देयर विल बी मेनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस। मतलब और फिर बाजी प्रभु बोल रहे, अगर मैं मर भी गया तो मेरे बाद ही बहुत सारे प्रभु बाजीज रहेंगे जो कि मेरी प्लेस ले सकेंगे, लेंगे।
बट नो वन कैन रिप्लेस यू। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या बोला, लेकिन कोई भी तुमको रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। शिवाजी महाराज ने ऐसा बोले, अवर स्वराज नीड यू, हमारे स्वराज को तुम्हारी जरूरत है। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर, वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट दैम विथ आवर लिमिटेड फोर्स। शिवाजी महाराज ने बोला कि जो एनिमी है वो हम पर अटैक करेंगे, ऑब्वियसली ये जो एनिमी है सिद्धि जौहर की वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें उन लोगों को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, रोक कर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा लिमिट बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। प्लीज़ डू नॉट वेट, गो अहेड, मतलब आप लोग वेट नहीं करो, कहाँ चले जाओ, आगे चले जाओ। यस, तो शिवाजी महाराज ने क्या बोले क्या, प्लीज़ डू नॉट वेट, मतलब हम लोग यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे चले जाना चाहिए। मतलब सॉरी, ये किसने बोला है, बाजी प्रभु ने बोले कि आप लोग वेट मत करो, आप लोग आगे चले जाओ। वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास, मतलब वो जहाँ से एंटर हो रहे थे वहीं पे हम उनको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास, मतलब जैसी जो एंट्रेंस है जहाँ से एनिमी आ रही है तो वहीं पे उनको रोक दिया जाएगा। वो बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रुको मत, आप चले जाओ। मतलब आप किस तरफ जाओ, पनालगढ़ के साइड जाओ। विशालगढ़ के साइड जाओ, विशालगढ़ जाने वाले थे ना शिवाजी महाराज। वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रिच विशालगढ़ सेफली। यस, सो वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस, मतलब हम उन लोगों को आने नहीं देंगे जब तक कि आप लोग विशालगढ़ अच्छे से नहीं पहुंच जाते। बाजी प्रभु ब्रेव वर्ड्स एंड ही सेंस ऑफ लॉयल्टी ब्रॉट टीयर टू शिवाजी साई। अब ये जो वर्ड्स है बाजी प्रभु के, तो ये सारी वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं, उनकी लॉयल्टी को दिखा रहे हैं। किसके लिए लॉयल्टी दिखा रहे हैं उनके वर्ड्स, शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए। तो ये वर्ड्स सुनने के बाद ऑब्वियसली जो शिवाजी महाराज थे तो उनकी आईज जो थी दैट फिल्स फिल्स ऑफ टीयर्स। He was most unwilling to sacrifice his gem of a man for his personal safety. Yes, obviously Shivaji Maharaj didn't want to sacrifice this brave person for his safety. है ना, शिवाजी महाराज को ये जो ब्रेव पर्सन है बाजी प्रभु, इनको लॉस्ट नहीं करना था, ओनली बिकॉज ऑफ ही सेफ्टी, उनकी सेफ्टी की वजह से उन्हें नहीं करना था। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग, बट ही हैड नो टाइम, उनके पास टाइम नहीं था टू थिंक अबाउट दिस मैटर। सो ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडियल ऑफ स्वराज, ही फॉन्डली एम्प्रेस बाजी एंड सेड वी शेल मूव अहेड टूवर्ड्स। यस, फिर ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम बहुत कम था, सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड दैट ही विल लीव that place and he will go towards Vishalgarh. Okay. We shall move ahead towards Vishalgarh. As soon as we gain the fort, guns will be fired. Yes. So what they decided means when Shivaji Maharaj and their companions reach till to Vishalgarh, they will fire gun. Okay. As As soon as we gain the fort, guns will be fired. Okay, so that will be the signal of our safe arrival. Obviously, that means after firing the gun, all the people who were in this place, means जो यहाँ पे रुके हुए जो बाजी प्रभु के साथ है, तो उन लोगों को क्या समझ में आ जाएगा कि शिवाजी महाराज सेफली कहाँ पे पहुंच गए, he reached विशालगढ़, okay, without any problem. So as soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort. Means when they will hear the fire gun. Okay, जब वो सुने फायर गन की आवाज़, so what they have to do, they have leave the place and come toward that fort. Now Baji's defense of the Ghodkind pass. So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. Yes, obviously what Shivaji Maharaj did at that time, he left Baji Prabhu and go towards Vishalgarh. Baji made a low bow to the receding
figure of Shivaji and then prepared himself for battle. Yes, obviously means after some time what Shivaji Maharaj did, he prepared himself for the next battle. He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. Yes, so he took the sword. Sword means salwar, right? So he took that sword in his hand and he totally ready to fight with their enemy. He divided his company of soldiers into groups. So first thing what he did, what Shivaji Maharaj did, he divided his company, he divided his soldiers, okay, into small groups and posted them at suitable points. Of Indra ko order diya gaya to stay at a particular place. The Maulas took their position and collected huge boulders and stones to be used as weapons. So what the Malwas do at that time, they collect huge boulders or stones to fight with that, to fight with Johar. Okay, the Maulas across the pass were now a strong barrier in path of the enemy. Obviously, Jamal was already ready, right, to fight with Siddhi Johar. Huh? So, they are also very strong as compared to Siddhi Johar army. By this time, the enemy had reached the mouth of the pass. Matlab, ye time pe jo enemy thi unki, they came very closely to Shivaji Maharaj and could... And one could hear their war cries. Baji. Yeah, look at this picture. This is a picture of Shivaji and Baji Prabhu Daishpande in Godkind. Okay. Baji addressed his troop and said, "My brave soldier and comrades, be prepared. You may die fighting, but do not desert your post." Yes, so यहाँ पे बाजी प्रभु ने क्या बोला कि ऑब्वियसली वी हैव टू विन दिस बैटल, इफ वी वांट टू सेक्रीफाइस अवर लाइफ देन वी कैन सेक्रीफाइस अवर लाइफ. हम लोगों को अगर हमारी लाइफ को सेक्रीफाइस करने पड़ा देन ऑल्सो यू कैन सेक्रीफाइस योर लाइफ, बट वी हैव टू विन दिस बैटल एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट अवर एनिमी. डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्कर द पास नो मैटर वॉट प्राइस हैज टू बी पेड. येस मीन्स नो नॉट अलाउ टू एनी अ सिंगल एनिमी टू इंटर इन टू द पास मीन्स वैन द शिवाजी महाराज आर गोइंग टू द विशालगढ़, है ना, तो वो साइड उनको जाने नहीं देना है. ओके, इफ वी हैव टू पे अवर डेन, मतलब अगर हम लोगों को रिटर्न में हमारी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट वी हैव टू क्या करना, हम लोगों को शिवाजी महाराज को प्रोटेक्ट करना है. सो बाजी प्रभु एंड हिज मावलास स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास फर्म एंड फेयरलेस अवेटिंग द एनिमी. यस, सो जो एंट्रेंस है, सो एट दैट एंट्रेंस बाजी प्रभु एंड देयर मावलास, सो दे वर स्टैंडिंग एट दैट प्लेस एंड वेटिंग फॉर देयर एनिमी विदाउट एनी फियर. द पास वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस देयर बींग ओनली अ नैरो एंड जिगजैग पैसेज अक्रॉस इट. अब ये जो पास था जो ये था तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उसको क्रॉस करने के लिए, है ना, वो बहुत ज़्यादा नैरो था और जिगजैग था. ओके, एट द अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स विशालगढ़. और वही टाइम पे जो शिवाजी महाराज थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कहाँ जा रहे थे, विशालगढ़ जा रहे थे. द फोर्ट वॉज स्टिल सम डिस्टेंस अवे एंड इट वुड टेक शिवाजी एटलीस्ट 2 hours टू रीच इट. मीन्स स्टिल 2 hours इज रिमेनिंग टू रीच विशालगढ़ फोर्ट. मीन्स अभी भी 2 hours का जो रास्ता था वो बाकी था. शिवाजी महाराज ऑब्वियसली बहुत स्पीड से वो फोर्ट की साइड जा रहे थे लेकिन अभी 2 hours का जो डिस्टेंस था वो बाकी था. इफ बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट फॉर दोज 2 hours शिवाजी वुड बी सेफ. येस, अभी अगर शिवाजी बाजी प्रभु ने 2 hours तक एनिमी को मतलब बिजी रखे, एनिमी के साथ फाइट करते रहे, तो शिवाजी महाराज सेफली कहाँ पहुँच जाएंगे, विशालगढ़ पहुँच जाएंगे. ओके,